Hey, what is up guys? Welcome to Mr. Technical. और भाई आज हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, बॉक्स काफ़ी बड़ा है। तो भाई ये एक फ़ैन है जो कि है BLDC फैन, जो कि आता है क्रॉम्पटन की तरफ से। इसका जो मॉडल नंबर है ये है एनर्जियन क्रोमेयर, जो कि 28 वॉट्स का आता है। और अगर हम बात करें कलर की, ये है डार्क चेरी वुड। और भाई ये जो BLDC फैंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सेव करते हैं और आपको सुपीरियर एयर क्वालिटी मिलती है, तो आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं। सो गाइस आइए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, कैसा ये फैन है और क्या सच में ये आपकी बिजली बचाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बॉक्स को ओपन करते हैं यहां पे सबसे पहले आपको देखने को मिलती है एक रॉड, जो कि आप भाई अपने फैन में लगा सकते हैं, लगभग से एक फीट के आसपास है। और साथ में कुछ कैनोपीज मिलती हैं, एक साइज में अप मिलती है और एक छोटी साइज में। क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग यहां पे दी गई है और ये आपके विंग्स हैं भाई, यहां से आप देख सकते हैं इसके कलर वगैरह दिख रहे हैं। इसको रखते हैं साइड में, सबसे पहले हम बात करेंगे इस बॉक्स की, इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है चलिए देखते हैं। तो जैसे ही ओपन करते हैं यहां पे सबसे पहले आपको देखने को मिलती है एक टूल किट, लाइक इसमें नट बोल्ट और स्क्रूज वगैरह देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको देखने को मिलती है एक वारंटी कार्ड, जहां पे आपको 5 ईयर की वारंटी मिलती है इस फैन के ऊपर। और भाई एक रिमोट है जहां पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पीड वगैरह सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमोट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक सेफ्टी वायर भी दिया गया है, तो ये अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है। और गाइज ये हमारी मोटर, जो कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, हल्का सा ब्लैक कलर में ये दिया गया है। अब बात करते हैं भाई पंखुड़ियों की, देखते हैं यहाँ पे जो विंग्स हमें दिए गए हैं कैसे लुक है इनका। तो कुछ इस तरीके से आपको लुक देखने को मिलता है, 3 ब्लेड्स हैं यहाँ पे और काफ़ी मस्त लग रहा है यार। और ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे बॉक्स कंटेंट्स की, तो ये सारे कंटेंट्स हैं। और गाइज हम इस फैन को टेस्ट करें उसके पहले कुछ चीज़ें आपसे बता दें, जैसे कि ये एनर्जियन क्रोमेयर जो लाइनअप है क्रॉम्पटन की, ये एक एक्टिव BLDC फैंस बनाती है। अब BLDC फैंस क्या होते हैं भाई, तो ये BLDC फैन एक्चुअली में एक DC करंट के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाती है। और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कम एनर्जी में आपको ज़्यादा अच्छी एयर क्वालिटी देखने को मिलती है। और गाइज क्रॉम्पटन इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सालों से है, लाइक 80+ ईयर से, तो इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है फैन वगैरह बनाने का। अब गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि नॉर्मल फैन और BLDC फैन में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे नॉर्मल फैंस जो होते हैं वो इंडक्शन मोटर बेस्ड एक फैंस होते हैं, जहाँ पे इंडक्शन मोटर के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे उसको एक BLDC फैन से, तो बेसिकली ये एक DC करंट पे चलता है और BLDC फैंस एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे एक एक्टिव BLDC मोटर इसके अंदर लगी होती है, जो कि काफ़ी कम वोल्टेज पे भी चल जाते हैं, लाइक 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का अगर करंट आ रहा है तो इनको चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जो इस फैन का पावर फैक्टर है वो है 0.98, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और गाइज अगर आप कंपेयर करेंगे इस वाले फैन को नॉर्मल फैन से, तो अगर आप इस फैन को यूज़ करते हैं तो लगभग से 1750 रुपये आपका ईयरली बिजली के बिल पे सेविंग होगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और गाइज फैन इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। और आइए गाइज इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इस फैन की स्पीड की, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। इवन अगर हम बात करें इसके एयर क्वालिटी की, तो एयर डिलीवरी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी की एयर डिलीवरी करता है ये वाला फ़ैन। इसके अलावा इसका जो ऑपरेशन है वो एकदम क्वाइट है, बिल्कुल नॉइजलेस ये काम करता है, कोई भी आपको नॉइज़ वगैरह सुनाई नहीं देती है अगर आप ये फ़ैन इवन 5 नंबर पर भी चला के रखते हैं। और गाइज इस फैन के साथ में एक रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है, जो कि एक यूज़र फ्रेंडली रिमोट कंट्रोल है, जहाँ पे आप फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट की हेल्प से। इसके अलावा काफ़ी सारे मोड्स भी दिए गए हैं, लाइक अगर आप स्लीप मोड को एक्टिव करेंगे तो हर 1-1 घंटे के बाद में आपकी स्पीड जो है वो हल्की हल्की कम हो जाएगी, ताकि आपको ऐसे स्लीपिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि भाई मॉर्निंग तक रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है तो आपको थोड़ी सी सर्दी लगने लगती है, तो उस चीज़ को ये मैनेज कर लेता है जो स्लीपिंग मोड है। और गाइज यहाँ पे हम एक फैन पहले से यूज़ कर रहे हैं, जो कि है एटम्बर का रेनेसा प्लस। तो अगर आप कंपेयर करेंगे एटम्बर रेनेसा प्लस को एनर्जियन क्रोमेयर से, जो कि क्रॉम्पटन की तरफ से आता है, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे क्रॉम्पटन के एनर्जियन क्रोमेयर में। जैसे कि ये वाला जो फैन है ये आपको 28 वॉट पे ही देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजली बचाएगा अगर आप कंपेयर करेंगे एटम्बर्ग से। यहाँ पर जो फैन आता है एटम्बर्ग का, ये हमारे पास है 35 वॉट में, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी सेविंग होगी अगर आप क्रॉम्पटन का फैन यूज़ करेंगे तो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एयर डिलीवरी की, तो जो क्रॉम्पटन का BLDC फैन है ये आपको देता है 220 CMM की एयर डिलीवरी, बट जो एटम्बर्ग का रेनेसा प्लस है यहाँ पर कुछ ऐसा मैंशन नहीं किया गया है कि ये कितना एयर डिलीवरी करता है। और गाइज यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है दोनों फैन के बीच में, अगर आप कंपेयर
करेंगे दोनों फैंस को। तो यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल है वो एक्चुअल में आपको पॉइंट करना पड़ेगा एटमबर्ग के रेनेसा प्लस की तरफ। अगर आपको वो फैन ऑन करना है, स्पीड कंट्रोल करना है, तो आपको पॉइंट करके वो चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ काम करती है नॉर्मल IR ब्लास्टर के थ्रू। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉम्पटन के एनर्जियन क्रोमेयर की, तो यहाँ पर आपको कोई भी रिमोट फैन की तरफ पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी इस चीज़ को ऑन कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो क्रॉम्पटन का रिमोट है ये काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप रूम में कहीं भी हो, आप अपने फैन को अपने रिमोट से ऑन कर सकते हैं बिना फैन की तरफ पॉइंट किए। और गाइज, अगर आपके पास मल्टीपल क्रॉम्पटन क्रोमेयर फैंस हैं, तो आप सिंगल रिमोट मल्टीपल फैंस के साथ पेयर कर सकते हैं, तो आप एक ही रिमोट से अपने सारे फैंस ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन एटमबर्ग में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता, वहां पे एक फैन के साथ आप एक ही रिमोट पेयर कर सकते हैं। और गाइज, बात करते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस की, तो क्रॉम्पटन को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक 80+ ईयर्स का। बट एटमबर्ग अभी नया स्टार्ट किया है, कुछ टाइम हुआ है इसको फैंस बनाते हुए। तो क्रॉम्पटन पे आपको ज्यादा रिलायबिलिटी और यहाँ पे आपको एक ट्रस्ट फैक्टर जरूर से जनरेट होता है। और गाइज, यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों फैंस की बिल्ड क्वालिटी में। एक्चुअली में जो क्रॉम्पटन का एनर्जियन क्रोमेयर है, ये आता है फुल मेटल बॉडी के साथ में, जहां पे मेटल के पार्ट्स यूज किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें एटमबर्ग के रेनेसा प्लस की, तो यहां पे जो बॉटम में चीज यूज हुई है वो एक्चुअल में प्लास्टिक है, और ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है अगर आप कंपेयर करेंगे क्रॉम्पटन से। यहां पे आपको काफी सारे पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि भाई अंदर क्या कुछ कॉम्पोनेंट यूज हुए हैं, लाइक वायर्स और PCB वगैरह। यहां पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्रॉम्पटन के पास में, क्योंकि यहां पे ये लोग फुल मेटल बॉडी के साथ में अपने फैंस को डिजाइन कर रहे हैं। दोनों फैन आपको 5-स्टार रेटिंग के साथ में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्रॉम्पटन का फैन आपको 28 वॉट्स का देखने को मिलता है, जहां पे आपको जो सर्विस वैल्यू देखने को मिलती है वो है 7.9, जबकि आप कंपेयर करेंगे इस एटमबर्ग के रेनेसा प्लस को, तो ये फैन आपको देखने को मिलेगा 35 वॉट का। हालांकि ये भी 5-स्टार है, लेकिन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू क्रॉम्पटन। और यहां पर जो सर्विस वैल्यू देखने को मिलती है ये है 6.7। इसके अलावा आपको रिमोट में टाइमर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, लाइक यहां पे काफी सारे ऑप्शन है कि आपको फैन ऑन करने के बाद में 2 घंटे बाद बंद करना है या फिर 4 घंटे बाद। यहाँ पे 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर और 8 आवर का आपको टाइमर देखने को मिल जाता है। 4 स्विचेस दिए गए हैं, तो आप इनका भी यूज करके अपने फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और किसी किसी मॉडल में आपको IoT वाली टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, लाइक आप गूगल और एलेक्सा से भी आप अपने फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और काफी सारी स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे कंक्लूजन की, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉम्पटन का एनर्जियन क्रोमेयर आगे निकल जाता है, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सॉलिड है। और ये वाला फैन आपको कम इलेक्ट्रिसिटी पे काफी बढ़िया एयर डिलीवरी देगा, तो आपके पैसे भी बचेंगे लॉन्ग रन में। इसके अलावा क्रॉम्पटन के पास एक वाइड रेंज है एनर्जी सेविंग फैंस की, और ये जो क्रॉम्पटन की एक्टिव BLDC इनोवेशन है, ये दूसरे रेगुलर BLDC फैन से बेटर है। तो ये फैन आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है अगर आप सोच रहे हैं एक BLDC फैन खरीदने को। और अगर हम बात करें इस फैन के प्राइसिंग की, तो लगभग से 4,500 रुपए के आसपास ये वाला फैन देखने को मिलेगा। हालांकि टाइम टाइम पे कुछ ऑफर्स भी आपको देखने को मिलते रहते हैं, लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।